विकास किन हाथों में सौंपा जाएगा, इन बातों पर चिंतन मंथन और इस बात की दिशा और दशा तय करने के लिए आज राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के देश की उपाध्यक्ष और हमारी राजनीति में हमारी मार्गदर्शक दर्शक परम श्रद्धेय वसुंधरा राजे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष परम श्रद्धेय मदन लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय सुंदरलाल जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी जिनके हाथों में झुंझुनू की कमान सौंपकर आप भारत नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ऐसे प्रत्याशी भाई नरेंद्र कुमार जी, सूरजगढ़ के विधायक भाई सुभाष जी और मेरे सारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे, लोकसभा के प्रभारी, विधानसभा के प्रभारी सुदेश जी अहलावत और नगर परिषद के सभापति, प्रधानगण, पंचायत समिति सदस्यगण, सरपंचगण, जिला परिषद सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी के सारे युवाओं से, नेताओं से अटाये मंच और इस मंच के समक्ष विराजमान मोदी से मांगे मेरे किसान बुजुर्गों, जिगर के लहू से प्यारे मेरे नौजवान दोस्तों और माताओं और बहनों, आपकी उपस्थिति इस बात को सिद्ध करती है कि इस देश की बागडोर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सौंप ली है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, मात्र 4 महीने पहले यही जगह थी, वसुंधरा जी ने आपको विश्वास दिलाया था, 5 साल में हमने कूट कूट कर न्याय आपको दिया, अन्याय को भगाया, उदयपुर वाटी में ऐतिहासिक शांति व्यवस्था 5 साल में कायम की है, आप लोगों ने भरोसा भी दिलाया था, पर वो छोटी सी आपकी चूक कितनी महंगी पड़ेगी आपने कभी सोचा भी था? 21 दिन में उदयपुर वाटी की 9 बेटियों के साथ बलात्कार, शर्म आनी चाहिए लोगों को, ये कांग्रेस की सरकार में हो रहा है। पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए उदयपुर वाटी का पहाड़ी क्षेत्र मोहताज है और आज तो हद हो गई, प्रदेश का मुखिया कल भाषण देकर गया और आज ये किसान के बेटे की हत्या कर दी गई, मणकसास में गुर्जर समाज के किसान के बेटे की हत्या। मैडम आपके इंतजार में बैठे थे, वरना हमें तो वहां जाना चाहिए था और अब जाएंगे, उदयपुर वाटी के लिए न्याय मांगेंगे, पर आज जिले का काम था और आपको हमें इस बात के लिए अवगत भी कराना था। आपने जिस उदयपुर वाटी को आपने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, सैकड़ों किलोमीटर सड़कें बनाना, रात दिन लगातार पानी की चिंता करना, भामाशाह योजना के माध्यम से सुबह व्यक्ति बीमार होता 11 बजे भामाशाह कार्ड बना के 4 बजे ऑपरेशन करने वाली अगर कोई डॉक्टर इस प्रदेश की थी तो वसुंधरा राजे जी थी। आज जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, इसके इर्द गुर्द सारी की सारी सरकारी जमीनी थी, सारी सरकारी जमीनों पे कब्जा हो गया कांग्रेस की सरकार में, यहाँ के विधायक ने किया, प्लॉट काटे, जहां आज बैठे हैं, आपने वसुंधरा जी को आशीर्वाद ना दिया होता, आपने मुझे अगर अपना मतदान नहीं किया होता, एक बार विधायक बनने का आपने मौका दिया, आप जिस जगह पर बैठे हैं ये सरकारी कॉलेज की जगह है, मात्र भारतीय जनता पार्टी की वजह से, वसुंधरा जी की वजह से। ये आलीशान इमारत जिसको आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है और भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी से यहाँ जगह पे आप बैठे हैं ये, और पड़ोस में कृषि मंडी की जमीन जो सरकारी थी हमने अलॉट करवाई, वरना इसको खुर्द बुर्द कर दिया जाता। उदयपुर वाटी में कब्जा करने का काम, मेरी बेटियां जैसी 6-7 साल की बेटियों के साथ बलात्कार करने का काम, उदयपुर वाटी में हत्याएं करने का काम कौन करता आप जानते हैं? कौन कर रहा है? जोर से नाम लेने में शर्म आ रही है, यहीं से डर रहे हो, फिर मेरा साथ क्या दोगे? थोड़े से दिन पहले मैडम मैंने तो इनको कोई सिखाया नहीं, पर जिसका नाम ये ले रहे हैं वो झीकर में जाके राजनीति कर सकता है, किरोसिन की बोतल उड़ेल सकता है, पर उदयपुर वाटी की बेटियों के साथ होता बलात्कार उस अंधे इंसान को दिखता नहीं है। चाहते हो कि कुंभा लिप्त का पानी जो वसुंधरा जी की मेहरबानी से जापान में स्वीकृत होने गया था, मैंने आपको भरोसा दिलाया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, मुझे उसका हिस्सा बनाओ, 1 साल के अंदर पानी लेकर आएंगे, वसुंधरा जी ने आपको भरोसा दिलाया था, वो दिन दूर नहीं। और चुनाव के 1 महीने बाद अखबार के मुख्य पृष्ठ पे आई
कांग्रेस की सरकार बन गई, कुंभालिप की परियोजना भी खत्म हो गई। पीलियो पानी अब ये हालात, जहां बिना कुंभालिप के भी हमने रात दिन आपके पीने की पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। मैडम आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक एक किसान इस बात के लिए आपके सामने आकर कहने को तैयार है, 7-5 साल में और इससे पहले आपके 5 साल में इस किसान को जैसी बिजली मिली 70 साल में कभी नहीं मिली। एक किसान की गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट इस बात को सिद्ध करती है कि हमें नहीं पता आपके पास क्या जादू है। आप उन कारखानों से बिजली लाती हैं कि अपने किसी जादू से बिजली लाती है। 5 साल में आपने जो बिजली की निर्बाध सप्लाई करवाई, आज एक किसान कह रहा है बिजली आती कम है जाती ज्यादा है। ये हालात बिजली के, और अब तो और तो और, कल मैंने एक आदमी से, किसान ने मुझसे कहा, अरे चौधरी हैं तो बताए बिजली वाला बिरोटा पूरा क्या हवा लगा। मैं वसुंधरा जी की सरकार थोड़ी, तो माफ हो जाएगा, करा लो माफ, कर चो करा लो बिजली का बिल माफ, ले लो 3,500 रुपया। नौजवानों ने चाहे ना 2-2 लाख का कर्जा, कोई को माफ हो भाई। अनगिनत लोग आपके सामने बैठे हैं जिनका आपने 50-50 हजार का कर्जा माफ किया। एक भी व्यक्ति ईमानदार से कहे अगर किसी का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ है, मैं इसी मन से छोड़कर राजनीति से संन्यास देने की घोषणा करता हूं। इतनी झूठ, इतनी फरेबी, इतने झूठ मचाने वाले लोग, और फिर भी आप उनको वोट देते हैं। पर वोट तो मैडम हमारी बड़ी विडंबना है, ये बेचारे वोट देते हैं बसपा को, चले जाते हैं वोट कांग्रेस में, कल चले गए। जमीन पे कब्जा चाहिए, इंसानों की हत्याएं चाहिए, लोगों के मर्डर चाहिए, बलात्कार चाहिए, बसपा बचा नहीं सकती, बचाएगा कौन? तो गहलोत जी को भी बचाना पड़ेगा ना, ये काम तो वो ही करेंगे। पर आप निश्चिंत रहें, हम दिन रात आपके साथ कदम से कदम लगाकर खड़े हैं। हमारी मुख्यमंत्री हमारे बीच में है, इनका आशीर्वाद हमारे साथ है, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, हमारे प्रत्याशी हमारे साथ हैं। उदयपुर वाटी और झुंझुनू जिले के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं, जान दे देंगे लेकिन अन्याय कर सहन नहीं करेंगे। आपका भाई आपके साथ खड़ा है, न कब्जे करने देगा, न बलात्कार करने देगा। और जो हत्या हुई है गुर्जर समाज के नौजवानों, हत्या किसी गुर्जर के नहीं, किसान के बेटे की हुई है, वो हमारा बेटा है, हमें जान देनी पड़े लेकिन न्याय लेकर रहेंगे। आप चिंता करने की जरूरत नहीं। बातें बहुत ज्यादा हैं, उद्गार इतने हैं कि सारे आपके सामने, जब खोल के रखो तो आपको बताना चाह रहा हूं। उदयपुर वाटी में तो 5 साल की मैडम, पता नहीं आपकी क्या मेहरबानी रही, मुझे नहीं आपका भामाशाह पान का पता आप क्या सिस्टम था, पर आपकी मेहरबानी से मैंने तो सुबह इस टीम को कहा इस गरीब का इलाज शाम को होना है, 10 बजे अप्लाई कर दे, 2 बजे भामाशाह कार्ड मिल जाता, 4 बजे ऑपरेशन हो जाता। अब भी वह देखे भामाशाह कार्ड बंद, लोन माफी की योजना बंद, सारे के सारे काम बंद, फसल का समर्थन मूल्य का नाम तो केंद्र सरकार से है पर तुलाई बंद, बिजली का इसकी सप्लाई बंद, पानी की सप्लाई बंद। कहते हैं पानी का पैसा नहीं लेंगे, पैसा कहां से लोगे भैया, ठेंगा लोगे के, पहले पानी दोगे तो पैसा लोगे, पानी है ही नहीं पीने को, फिर पैसा किस बात का। ऐसे ऐसी घोर अन्याय तो मैंने आज तक किसी सरकार में देखी नहीं। 4 महीने में हमारी हालत यह है, ये झुंझुनू जिले की उदयपुर वाटी की जनता, मैडम आज चुनाव कराओ, ऐतिहासिक निर्णय बदलने के लिए तैयार है, ये वापस उन प्रत्याशियों का जो जीत कर गए मुकाला करने को तैयार है। पर विडंबना यह है कि प्रजातंत्र में हिसाब किताब 5 साल में एक बार होता है। हम तो जैसे भी हैं दुख पाएंगे, पर 5 साल तक ये दुख आपको भी उठाना पड़ेगा। पर अब चाहते हो कि न्याय हो जाए, चाहते हो कि ऐतिहासिक शांति व्यवस्था कायम हो जाए, प्रशासन के लिए चाहते हो कि चाक चौबंद है आपकी मदद करे, तो आपके पास मात्र एक रास्ता बचता है, आने वाली 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर मोदी जी के हाथ मजबूत करो। दुनिया की कोई ताकत फिर आपको परेशान नहीं कर सकती। निवेदन करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं, समय वाकई आपके बीच में है, कम है, पर आपके बीच एक निवेदन करना चाहता हूं। उदयपुर वाटी की जनता ने मुझे चाहे 5,000 से हराया है, पर आज इस बात का भरोसा दिलवाओ, आने वाले चुनाव में 20-25-30 हजार वोटों की लीड लेकर आएंगे। हाथ उठाकर मैडम को इस बात का भरोसा दिलाओ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं।